श्री गगजीभाई जी सुतरिया प्राथमिक शाला, कक्षा 7, विषय हिंदी। विद्यार्थी मित्र, आज हम निबंध लेखन 1, वृक्षों की उपयोगिता के बारे में अभ्यास करेंगे। पहले के तास में हमने निबंध लिखते वक्त ध्यान में रखने की बाबत और पेड़ हमारे मित्र ये निबंध के बारे में अभ्यास किया था। आज हम वृक्षों की उपयोगिता के बारे में निबंध लिखेंगे। प्राचीन काल से ही मनुष्य और पेड़ के बीच गहरा संबंध रहा है। प्राचीन काल में मनुष्य अपनी रक्षा के लिए पेड़ पर रहता था, पेड़ के फल खाकर जीवन व्यतीत करता था, पेड़ के छिलकों का वस्त्र के स्थान पर उपयोग करता था। पेड़ पौधे धरती की शोभा है। पेड़ बड़े परोपकारी होते हैं। पेड़ हमें शीतल छाया और फल फूल देते हैं। मकान और फर्नीचर बनाने के लिए जरूरी लकड़ी हमें पेड़ों से ही मिलती है। पेड़ों की जड़ों, तने और पत्तों से बहुत सी औषधियाँ बनती है। पेड़ों के कारण हवा शुद्ध होती है और वर्षा भी अधिक होती है। सचमुच पेड़ हमारे जीवन के अभिन्न अंग है। पेड़ पक्षियों का घर है। पक्षी पेड़ पर ही अपना घोंसला बनाते हैं। पेड़ के फल फूल और पत्ते पशु पक्षियों का आहार है। हमारे ऋषि मुनि फल खाकर जीवन बिताते थे। वे अपने शिष्यों को पेड़ के नीचे बैठकर विद्या सिखाते थे। हमारा जीवन पेड़ पौधों के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। आज हम पेड़ों को अपने निजी स्वार्थ के लिए काट रहे हैं। इसके कारण प्रदूषण हो रहा है। पेड़ों का विनाश होने के कारण वर्षा कम होने लगी है। पानी के अभाव में हमें कई आपत्तियों का सामना करना पड़ता है। सचमुच पेड़ों से मित्रता बढ़ाकर ही हम सुखी और सुंदर जीवन जी सकते हैं। तो आपको ये निबंध लिखकर आपके जन्मदिन पर एक पेड़ बोना है और उसे बड़ा करके अपना जीवन सुखी और सुंदर बनाना है। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने पहले तास में निबंध लिखते वक्त कौन कौन सी बात ध्यान में रखनी पड़ती है उसके बारे में अभ्यास किया था। आप जब परीक्षा में निबंध लिखते हो तो मैंने आपको 7 बातें दी थी कि कौन कौन सी बातें हैं जो निबंध लिखते से हमें ध्यान रखना है, तो हमारा निबंध हमें पूरा ही पूरा गुण मिल सकता है। तो आपको इन बातों को ध्यान में रखकर निबंध लिखना है। आपको ये निबंध अपनी बुक में लिखना है।